वायरस का असर 29 मार्च से शुरू हो रही आईपीएल पर भी पड़ना तय है। केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। 13 मार्च से 15 अप्रैल तक के लिए सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ डिप्लोमेटिक और एम्प्लॉयमेंट वीजा को ही मंजूरी दी गई है। खिलाड़ियों को बिजनेस वीजा मिलता है, ऐसे में उन्हें विदेश में आने की अनुमति नहीं होगी। आईपीएल के 8 टीमों में कुल 60 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें से कोई भी अब 15 अप्रैल तक भारत नहीं आ पाएगा। ताजा स्थिति के मद्देनजर 14 मार्च शनिवार को आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होनी है। इसमें लीग पर फैसला किया जाएगा। आईपीएल रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर फौरन सुनवाई की मांग खारिज कर दी है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से 23 मार्च तक जवाब मांगा है। आईपीएल की 8 टीमों में 189 खिलाड़ी हैं। इनमें 65 विदेशी खिलाड़ी हैं और इनमें 60 अभी भारत में नहीं है। आईपीएल 29 मार्च से 24 मई तक खेला जाना है। हालांकि इससे पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली कह चुके हैं कि आईपीएल शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, जरूरत पड़ी तो हेल्थ एडवाइजरी जारी की जा सकती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे टालने की सिफारिश की थी। बीसीसीआई की दिक्कत केंद्र सरकार के वीजा संबंधित नए नियमों से बढ़ गई। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ विश्वनाथन ने कहा था कि आईपीएल में विदेशी खिलाड़ी बिजनेस वीजा पर आते हैं, उनके लिए तब तक आईपीएल से जुड़ना असंभव है जब तक बीसीसीआई उन्हें विशेष अनुमति ना दिलवाए। हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। वहीं सौरभ गांगुली ने भले ही आईपीएल तय वक्त पर कराने का भरोसा दिलाया हो, लेकिन अब यह मुश्किल लग रहा है। 15 मार्च तक विदेशी खिलाड़ी नहीं आ सकेंगे। सनराइजर हैदराबाद का तो कप्तान ही विदेशी है। केन विलियम्स के बिना हैदराबाद को दिक्कत होना स्वाभाविक है। खेल मंत्रालय ने भी कहा दिया है कि सभी खेल संस्थानों को हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी माननी होगी। रोड सेफ्टी लीजेंड्स टी20 में भी दर्शकों के आने पर रोक लगा दी गई है। अब नजरें 14 मार्च को होने वाले आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग की मीटिंग पर है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आईपीएल पर अहम और अंतिम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 21 से 22 मार्च को ढाका में होने वाले वर्ल्ड और एशिया 11 में के मैच टाल दिए हैं। बोर्ड ने बताया है कि यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण टाला गया है। मैचों की अगली तारीख के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। वर्ल्ड और एशिया 11 के बीच 2 मैचों का आयोजन बांग्लादेश के लिए खास था। यह मैच बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले शेख मुर्तजा रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित किए जाने थे। विराट कोहली, लसित मंगिरा और क्रिस गेल समेत दुनिया के तमाम नामी खिलाड़ी इन 2 मैचों में नजर आते। दोनों मैच ढाका में होने वाले हैं। फिलहाल यह टूर्नामेंट नहीं होगा। अगली तारीखों की जानकारी बाद में दी जाएगी। अब आईपीएल में क्या हो सकता है, आइए आपको समझाते हैं। सरकार ने आईपीएल बॉडी को साफ कहा है कि अगर उन्हें टूर्नामेंट करवाने हैं तो वे स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच करवाने होंगे। आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी इसके लिए तैयार है, लेकिन वह चाहती है कि विदेशी खिलाड़ियों को आने की अनुमति दे दी जाए। फ्रेंचाइजी यह भी कह रही है कि अगर टूर्नामेंट विदेशी खिलाड़ियों और दर्शकों के बगैर ही खेला जाता है तो इसमें आकर्षण नहीं बचेगा। विदेशी खिलाड़ी बिजनेस वीजा पर भारत आते हैं, सरकार ने इस पर 15 अप्रैल तक रोक लगाई है। ऐसे में अगर विदेशी खिलाड़ियों को तय समय पर आईपीएल में शामिल करवाना है तो बीसीसीआई को सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। आईपीएल तय समय पर शुरू होते हैं तो सभी फ्रेंचाइजी उपलब्ध विदेशी खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट में उतरे। दक्षिण अफ्रीका की टीम फिलहाल भारत दौरे पर है। उनके 4 खिलाड़ी अलग अलग फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं। कुछ विदेशी खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के लिए भारत आ चुके हैं। 15 अप्रैल तक वीजा पर प्रतिबंध है। इस समय सीमा तक कोरोना ज्यादा फैल जाता है तो सरकार प्रतिबंध और आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजियों को देश में उपलब्ध खिलाड़ियों के साथ ही पूरा टूर्नामेंट खेलना होगा। वहीं 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला मैच बिना दर्शकों के होगा। जी हाँ, ऐसा पहली बार होगा कि कोई मैच बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएल की टिकटों पर बैन लगा दिया है। ठाकरे सरकार ने कोरोना वायरस के फैसले को लेकर ऐसा निर्णय लिया है। वानखेड़े में आईपीएल का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टापे ने बयान जारी कर कहा है कि कोरोना को देखते हुए सरकार के पास 2 विकल्प हैं। इनमें ये या तो आईपीएल मैचों को बैन किया जाए या फिर उन्हें टीवी दर्शकों तक सीमित रखा जाए। यानी अब क्रिकेटर फैन अब अपने पसंदीदा खिलाड़ी का गेम लाइव की बजाय सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। टोपे को यह बयान
ऐसे दिनों में आया है जब मुंबई के दो व्यक्तियों की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट सकारात्मक आई है। महाराष्ट्र में अब ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि राज्य कैबिनेट ने कोरोना वायरस और आईपीएल मैचों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद हमारे सामने दो विकल्प आए, मैचों को स्थगित करना या टिकटों की बिक्री के बिना मैचों का आयोजन करना। सरकार इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.